दोस्तों, सभी को संतोष धुन की तरफ से प्यार भरी नमस्कार। और आज थोड़ी पुरानी बातें याद कर लेते हैं। पुरानी बातों में कुछ चीज़ें भी हैं जो कि मैं रख के भूल गई थी। उनमें से एक है ये मुल्तानी मिट्टी। मैं गर्मियों में, पिछली गर्मियों में ले गई थी, जून जुलाई में, तो वहाँ से मैंने ये मुल्तानी मिट्टी ली थी। मैंने एक वीडियो भी डाला था और वो वीडियो बहुत ही वायरल हुआ था कि यहाँ सख्त पहाड़ों के बीच में एक मुलायम सा पहाड़ है मुल्तानी मिट्टी का, जिसको गोम्पा मिट्टी भी कहते हैं। वो अभी भी वीडियो आप पीछे जाके देख लेना, बहुत ही बढ़िया वीडियो बनी थी। छोटी सी थी, 3-4 मिनट की, लेकिन लोगों ने उसको बहुत अप्रिशिएट किया और सब ने पूछा कहाँ मिलती है, कहाँ मिलती है, हमारे लिए भी लाना। तो मैं वहाँ से ये मिट्टी लेके आई थी। आजकल तो यूट्यूब पे क्या नाम, कोई क्रंच करता है, कोई कुछ करता है, पता नहीं वो खाते हैं या क्या करते हैं, लेकिन ना खाएं तो बेहतर है, पेट में जम जाएगी, आपको जॉन्डिस हो जाएगा। पहले मैंने भी एक बार खाई थी तो मेरे जॉन्डिस हो गया था, तो मैं बहुत दुखी हुई थी। तो मैं सबको सलाह दूंगी, ये खाने के लिए नहीं है, यही कई चीज़ों में यूज़ होती है। जैसे ये हम आंगन आंगन में पोचा लगाते हैं, चूल्हे पे पोचा लगाते हैं, और जो कच्चे मकान होते हैं उनको लीपते हैं, और लेह लद्दाख में तो इससे उनके एक धार्मिक स्थान बनते हैं, उसको पेंट करते हैं इस मिट्टी से। तो इसलिए मैं अपने यूज़ के लिए लाई थी कि मैं इसका क्या यूज़ करूँगी। मैं इसको यूज़ करूँगी पेंटिंग में। मैं पेंटिंग में कैसी यूज़ करूँगी वो आप देखते जाना। और एक मेरे पास चूल्हा है, उसको भी हम लीप के दिखाएंगे, उसमें बिल्कुल वाइट हो जाता है फिर ये। तो अभी मैं इसमें से निकाल लेती हूँ, बस मैं भूल ही गई थी रख के, दूसरे कामों में बिजी हो गई, चलता रहा चलता रहा। लेकिन कोई खाए ना इसको, ये यूट्यूब में कोई छोटी छोटी वो वीडियो बनाते हैं ऐसे करके दे, मुझे नहीं पता वो खाते हैं नहीं खाते हैं, लेकिन ये पेट के लिए बहुत हानिकारक है। अगर आपको किसी चीज़ की कमी है तो आप उसकी दवाइयाँ लें, ना कि ये मिट्टी खाएं। वैसे कहते हैं कि जिसमें कैल्शियम की कमी हो तो मिट्टी खाने का मन करता है, तो बेहतर है कि आप ये ना खाएं, कैल्शियम ले लें। और जैसे प्रेग्नेंट लेडी होती हैं, पहले गाँव में वो खाया करती थी छुप छुप के, तो वो अच्छी बात नहीं है। पहले तो साधन नहीं होते थे, लेकिन अब कोई वो बात नहीं है, अभी हमें ये चीज़ मिलती नहीं है। तो प्लीज़ आप इसको खाएं नहीं, बच्चे के भी पूरे शरीर पे जम जाती है। पहले के बच्चे पैदा होते थे वो ऐसे है ना, सफ़ेद सफ़ेद कोई चीज़ में लथपथ होके निकलते थे, तो वो यही कारण था कि वो मुल्तानी मिट्टी खाती थी। पहले है ना गाँव में वो आती थी, क्या कहते हैं उसको, बंजारन टाइप, वो रखती थी उसको, और सब लेडीज़ लेती थी, हर गाँव में हर घर में ये मिट्टी होती थी। तो वो बहाना तो कोई और होता था, हम चूल्हा लिपेंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन वो छुप छुप के खाया करती थी। तो मैं इसको अभी थोड़े से पानी में थोड़ी सी मिट्टी भिगो देती हूँ। तो ये मैंने सारी निकाल ली है और इसको लिफाफे को अलग कर दिया है, और अब लाती हूँ थोड़ा सा पानी और उसमें ये कितनी भिगोनी है वो बताती हूँ। तो ये मैंने एक बाउल में पानी ले लिया है और उसमें हम 2-3 टुकड़े भिगो देते हैं, ये फूल के पूरा बाउल भर जाएगा। नहीं, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है जब भिगोते हैं, तो सौंधी सौंधी खुशबू आ रही है, जैसे पहली बरसात की खुशबू आ रही है, वैसे ही इसकी मिट्टी की खुशबू आ रही है। और ऐसे लगता है कि हम इसको उठा के मुंह में डाल लें, लेकिन नहीं, सेल्फ कंट्रोल रखना चाहिए अपने आप पर। ठीक है, तो अभी मैं इसको रख देती हूँ और फिर देखते हैं 2 घंटे बाद कि ये किस फॉर्म में हो जाती है। पूरा पानी सोख लेगी और पूरी ऊपर तक फूल जाएगी। तो अभी हमारी मिट्टी को भीगते हो गए हैं 2 घंटे और ये ऊपर तक फूल गई है, और ये देखिए बहुत ही बढ़िया इसका घोल तैयार हो गया है। अब हम इसके करेंगे 2 प्रयोग। एक प्रयोग तो ये करूँगी कि मैं बोतल पे इसको, इसका बेस बनाऊंगी, फिर हम करेंगे इसमें पेंटिंग। तो ये मैंने मिट्टी और थोड़ा सा फेविकोल लिया है, ये वाला फेविकोल मिला के, और ये मैंने एक घोल तैयार कर लिया है। तो इसको कैसे लगाना है, ये एक स्पंज का टुकड़ा ले लो आप, ऐसे स्पंज आती है कोई भी, जैसे सोफे वगैरह में हम भरते हैं तो बच जाती है, वो रख लेनी चाहिए। इसको एक बार इधर रख देते हैं और ये ऐसे करके, और आप इसको ऐसे लगा दो हैं। तो इस तरह से टैप टैप करके, और हम सारी बोतल को ये इसके कलर कर लेंगे, मतलब इस तरह का। आपको अगर व्हाइट चाहिए तो इसमें व्हाइट व्हाइट कलर मिला सकते हैं, अगर रेड चाहिए तो रेड, ये जो फैब्रिक पेंट आते हैं वो, आप जो भी कोई भी कलर चाहिए वो आप कलर इस मिट्टी में मिला लो, तो वही कलर इसमें बोतल पे आ जाएगा। लेकिन मुझे बेस कलर यही चाहिए था,
जैसे कि मैंने ये एक तैयार करी है, ये देखिए ऐसे मैंने पूरी बोतल तैयार कर ली। और इसके मैं पेंसिल, एक पेंसिल से कोई भी आप जो आपको पसंद हो फूल पत्तियाँ वो आपको डेकोर कर लो, मतलब इसकी वो बना लो। और उसके बाद ये मैंने 3 4 महीने पहले की थी, इस तरह से आप फैब्रिक पेंट से पेंट कर लो, ये तो इतनी सुंदर बोतल आप बन जाएगी, आपके लिए बन जाएगी। ये देखिए इसमें आप कोई भी प्लांट लगा सकते हैं, मनी प्लांट है, ये सिंगोनियम है, ऐसे ही मैंने ये वाली भी तैयार की है। इसी तरह से मिट्टी में ये मिला के फैब्रिक पेंट और फेविकोल मिला के ऐसे बहुत ही सुंदर डेकोरेटिव आइटम बन जाती है। तो अब दूसरा प्रयोग हम करेंगे कि हम चूल्हा लिपेंगे। तो इस मिट्टी को हम ले लेते हैं, ये ज़्यादा मिट्टी है, और आज चूल्हे को ठीक करेंगे। तो देखिए ये मेरे पास एक चूल्हा है, सर्दियों में हमने इसमें खूब बाजरे की खिचड़ी बनाई और रोटी बनाई, तो ये मिट्टी चटक जाती है इसकी, ये देखिए ऐसे चटक रही है, क्योंकि यही इसी की फिर मैंने पहले इसी की परत लगाई थी। तो पहले हम इसकी सफाई कर लेते हैं इस तरह से। अब हम इसमें राबड़ी बनाएंगे गर्मियों के लिए, और दाल वाल इसी में उबाला करेंगे, बहुत अच्छी बनती है चूल्हे की दाल और राबड़ी जो हम बाजरे का वो बनाते हैं वो मैं सिखाऊंगी। तो ये हमने ले लिया है घोल, और अब इसको हम इसमें जैसे ये बड़ी स्पंज ले लो, फिर बड़ी स्पंज लेके और इसको पहले जो ये जो गड्ढे से हैं उनको भर लो मोटा मोटा ऐसे करके। इसको लीपना पड़ता है महीने 2 महीने में। तो इस तरह से हम ये चूल्हा लीप देते हैं, और जो भी ये टूटी फूटी है ये सारी ठीक हो जाएगी। इस तरह से अंदर तक चूल्हा भी साफ हो जाएगा, बिल्कुल काला नहीं रहेगा। हाँ खुशबू बड़ी अच्छी आ रही है छोटू। चूल्हे के आस, पहले चूल्हे वो होते थे एक जगह फिक्स होते थे, तो उन चूल्हों के आसपास की जगह भी लिपी जाती थी, लेकिन ये मेरे पास ऐसा चूल्हा है कि इसको हम उठा के कहीं भी रख सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ अभी तो सीढ़ियों में रख रखा है, तो इस कोने में रखती हूँ, इधर वहाँ हम आग जला के और इसमें सर्दियों में काम करते हैं और अब गर्मियों में भी काम करेंगे। तो आज मैं इसको बढ़िया सा बना लेती हूँ और फिर इसको हम धूप में सुखा देंगे। तो एक दो, तो इस तरह से हमने पूरे चूल्हे को लीप दिया है, ये देखिए। और जो मैं तो कभी कभी चूल्हा यूज करती हूँ, लेकिन जो रोज चूल्हा यूज करते हैं वो तो रोज लीपते हैं, क्योंकि रोज काला होता है, रोज उसका लीपना पड़ता है। जो मेरी वीडियो बना रहा है उसकी मम्मी चूल्हे पे काम करती है, और वो बोलती है मम्मी आंटी हमारे तो रोज लीपते हैं। तो जो चूल्हे पे घरों में काम करते हैं, गांव में काम करते हैं, वो रोज चूल्हे की लिपाई होती है। और ये देखिए मेरी मिट्टी भी खत्म हो गई है और मेरा चूल्हा भी शानदार बन गया है और बहुत ही सुंदर हो गया है। सिर्फ मुझे कितने मिनट लगे, 5 मिनट तो लगे ही नहीं। ये देखिए हाथ थोड़े मेरे खराब हो गए, वो चिकने खुशबू लेकिन मैं बार बार बोल रही हूँ खाना नहीं है, ये खाने की चीज नहीं है, ये लीपने की चीज है। ये देखिए हमने बोतल लीप दी और चूल्हा लीप दिया, क्या शानदार चूल्हा हमारा बन गया। अब हम इसकी सफाई कर देंगे, ये देखिए सूखने के बाद ये बिल्कुल व्हाइट हो जाएगा। तो अभी मैं इसको धूप में रख देती हूँ और 1 2 घंटे के लिए सुखा देती हूँ। धन्यवाद।